This is second chapter of NCRT standard 9th political science. In this lesson we are going to learn about what is democracy and why democracy. What are the features of democracy and uh, what is the difference between democratic and non-democratic form of government. What are the features of democratic form of government. In this lesson we are going to learn about all this. In the previous lesson also we had learned about the some things. such as that uh, um, how the governments got changed in the Poland or Chile yes in the Myanmar we will learn about that so in this lesson we are going to go further into this topic कि डेमोक्रेसी क्या होता है और उसके फीचर्स क्या होते हैं so डेमोक्रेसी का अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो उसका डेफिनेशन है कि a form of government in which rulers are elected by people सो सिंपल डेफिनेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल कि एक ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पे जो रूल करेगा कौन रूल करेगा जो लीडर होगा वो लोगों द्वारा इलेक्ट किया जाएगा जैसे कि इंडिया में होता है कि कौन सी गवर्नमेंट फॉर्म होगी कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो लोग इलेक्ट करते हैं कोई अपने से नहीं आ जाता बन के तो वैसे ही डेमोक्रेसी में क्या होता है कि एक फॉर्म इसका जो डेफिनेशन है सिंपल डेफिनेशन यही है कि गवर्नमेंट जो है वो लोगों द्वारा इलेक्ट की जाती है अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि जो म्यांमार में गवर्नमेंट थी जो मिलिट्री डिक्टेटर था वो डेमोक्रेटिक नहीं था क्योंकि वो तो लोगों द्वारा नहीं इलेक्ट किया गया था ना और जो नेपाल में गवर्नमेंट है पहले थी आज के डेट में नेपाल जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पे इलेक्शन होता है किंग रूल नहीं है अभी भूटान में किंग रूल है तो भूटान में भी यही गवर्नमेंट चलती है सो so, इसके बारे में हम लोग चलो आगे जानते हैं वॉट आर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या हैं सो कमिंग टूअर्स दिस टॉपिक फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी देर आर फोर मेजर फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी which had been discussed in this lesson four features wo charo features kuch kahaniyon ke zariye bataye gaye hain first jo story hai about the general parvez mushraf parvez mushraf jo tha 1999 mein wo Pakistan में army का general हुआ करता था और उसने वहाँ पे military coup करके military coup का मतलब होता है कि मिलिट्री कू का मतलब होता है तथ्य पलट करना कि जो इलेक्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको ओवर थ्रो कर देना और मिलिट्री का रूल आ जाता है वहाँ पे तो इसको बोलते हैं कू मिलिट्री कू उसको कूप नहीं पढ़ेंगे कू पढ़ेंगे नाइनटीन नाइन्टी नाइन में मिलिट्री कू कर देता है वो और वहाँ के गवर्नमेंट को वहाँ पर जो नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट थी उसको हटा के खुद वो वहाँ का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव बन जाता है कंट्री का फिर उसने कॉन्स्टिट्यूशन में खुद टू थाउजेंड टू में वो प्रेजिडेंट बन वहाँ का प्रेजिडेंट बन जाता है और उसके बाद उसने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंजेस किए कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंजेस करके फिर वहाँ पे इलेक्शन होता है अब उसने जब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए तो उसने क्या किए कि जो भी मेजर डिसीजन मेकिंग था वो सब पूरा मिलिट्री के हाथों में रख दिया कि कोई भी मेजर डिसीज़न होना है तो पहले मिलिट्री के जो ऑफिसर्स हैं उनसे बात की जाएगी कि ये डिसीज़न हो कि नहीं तो जब इलेक्शन होता है और वहाँ पे लोग इलेक्ट करके आते हैं जो लोग इलेक्ट होते हैं वो लोग कॉन्स्ट जब वहाँ के पार्लियामेंट में आते हैं तो कोई भी मेजर रूल और लॉ बनता है तो उस लॉ पे एक वहाँ पे कमेटी बनाई थी परवेज मुशरफ़ ने जिसको बोलते थे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और जिसमें पूरे मिलिट्री ऑफिशल्स थे वो लोग डिसाइड करेंगे कि कोई भी लॉ पास होगा कि नहीं ये लॉ बनना चाहिए कि नहीं सो so, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग तो चुने गए हैं ना लोगों को इलेक्ट किया गया है बट उनके वो लोग खुद अपना लॉ बना रहे हैं क्या नहीं ना वो तो परवेज़ मुशरफ़ के जो यहाँ पे नेशनल काउंस सिक्योरिटी काउंसिल है वो लोग बना डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा लॉ बनेगा यस सो वन मेजर फीचर ऑफ दिस इज डैट इन अ डेमोक्रेसी फाइनल डिसीजन मेकिंग जो पावर होनी चाहिए वो किसके पास होनी चाहिए रेस्ट विद दउ इलेक्टेड बाय द पीपल जिनको लोगों ने इलेक्ट किया है वही लोग डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने चाहिए डायरेक्टली ऐसा नहीं कि उनके ऊपर कोई और बैठा हो जो नॉन इलेक्टेड हो सो दिस इज़ द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर दैट द डेमो डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो इलेक्टेड लोगों के हाथ में होना चाहिए इस्ड विद द इलेक्टेड पीपल कमिंग टूर्ड द नेक्स्ट फीचर ऑफ़ डेमोक्रेसी फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात होगी तो यहाँ पे चाइना की स्टोरी अभी चाइना में क्या होता है कि चाइना में हर पाँच साल में इलेक्शन होता है चाइना में एवरी फाइव इयर्स देज इलेक्शन और उस इलेक्शन से तीन हज़ार लोग चुन के वहाँ के पार्लियामेंट में जाते हैं और वो लोग प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं जो भी चाइना का प्रेसिडेंट होता है बट अगर कुछ लोगों को आर्मी भी इलेक्ट करती है बट वहाँ पे क्या है कि अगर किसी को भी इलेक्शन लड़ना है तो उसको पहले चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल लेना होगा कि हाँ भाई मुझे इलेक्शन लड़ना है मैं लड़ सकता हूँ कि नहीं कोई अपने से नहीं लड़ सकता इलेक्शन चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जिसको बोलेगी वही इलेक्शन लड़ेगा और उसके साथ कुछ एट स्मॉलर पार्टीज़ हैं जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ ही रहती हैं तो अब चाइना में कैसा है कि इलेक्शन तो आप लड़ सकते हो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के साइड से लेकिन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है उनको उसी आदमी को चुनना है जिसको उन्होंने खड़ा किया है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने उनके पास ऑप्शन नहीं है कि किसी और को भी खड़ा करके और उसको इलेक्ट कर सकते हैं इलेक्शन में सो so, यहाँ पे ये यह हो रहा है कि जो इलेक्शन है वो फेयर नहीं है लोगों को ऑप्शन नहीं मिल रहा है सिर्फ नाम के लिए इलेक्शन हो रहा है इट्स इज जस्ट टू शो द टू द वर्ल्ड कि हाँ हमारे यहाँ भी इलेक्शन होता है बट ये रियल इलेक्शन नहीं है और मैक्सिको मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको में भी नाइनटीन थर्टी से इलेक्शन होता था और सिर्फ एक ही पार्टी की गौर बनती थी नाइनटीन थर्टी से टू थाउजेंड तक एक हर साल छः साल पे इलेक्शन होता था लेकिन जो पीआरआई करके एक पार्टी थी इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी सिर्फ उसी का हर हमेशा उसी की गवर्नमेंट फॉर्म होती थी वहाँ पे अब जो अपोजिशन था उसको कभी चांस नहीं मिलता था ऐसा क्यों होता था कि पी आर वाले क्या करते थे इन्होंने मीडिया को कंट्रोल करके रखा था मीडिया इनके खिलाफ कभी कुछ बोले कि नहीं इनके गलत कामों को बताएगी कि नहीं इनके कितने भी करप्शन हो इन्होंने पूरा जो रिसोर्सेस थे सारे ऑफिशियल्स जो थे कोई भी पार्टी की मीटिंग होगी पी की तो उसमें उन ऑफिशल्स का आना जरूरी होता जरूरी होता था फिर जो स्कूल्स होते थे तो स्कूल में जो टीचर पढ़ाते थे वो सारे टीचर्स जो हैं वो पीआरआई को वोट करने चाहिए जो बच्चे हैं जिनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे उनको कहा जाता था कि आप लोग पीआरआई को वोट करेंगे तो ऐसे उन लोगों ने पूरे ट्रिक से करके और इलेक्शन हमेशा जीत जाते थे यहाँ पे भी तो ये दोनों जगह हम लोग देखें कि चाइना और मैक्सिको में इलेक्शन तो हो रहा है बट वो इलेक्शन क्या है वो फ्री और फेयर है क्या वो इलेक्शन सिर्फ नाम के लिए हो रहा है सो दिस इज़ द सेकेंड डेफिनेशन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी डैट डेमोक्रेसी देयर विल बी देर मस्ट बी फ्री एंड फेयर इलेक्शन और जहाँ पे जो पावर में है और जो पावर में नहीं है दोनों को फिफ्टी परसेंट चांसेस होने चाहिए कि जो पावर में वो जा सकता है और जो नहीं है वो आ सकता है तो फेयर चांस होना चाहिए सबको जो कि चाइना और मैक्सिको में नहीं है हमने देखा दिस इज़ द सेकेंड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी फर्स्ट फीचर हम लोगों ने पहले देख लिया है डेट द जो गवर्नमेंट इलेक्ट होती है जो लोग इलेक्ट होते हैं उनके पास पावर होने चाहिए सेकेंड है कि फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए कमिंग टू द थर्ड फीचर ऑफ़ डेमोक्रेसी थर्ड फीचर जो डेमोक्रेसी का है वो है कि वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू सो जैसे कि सऊदी अरबिया सऊदी अरबिया में बहुत सालों तक वीमेंस को राइट नहीं मिला था वोटिंग का इस्टोनिया इस्टोनिया में जो मेथड है सिटीजनशिप का वो ऐसा है कि जो लोग रशियन रशिया से हैं उन लोग को बहुत डिफ़िकल्टी होती है सिटीजनशिप पाने में और फ़िजी में इलेक्टरल सिस्टम ऐसा है कि जो फ़िजी का रहेगा उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाएगा और जो इंडियन इंडियन फिजी रहेगा उसको कम इम्पोर्टेंस दिया जाएगा इंडियन फिजी का मतलब है कि अगर कोई बंदा उसकी जो आ, जो उसका पूरा बोल सकते हैं कि उसके जो बाप दादा होंगे उसके दादा परदादा वो लोग इंडिया से चले गए होंगे अब वो लोग गए नहीं होंगे एक्चुअल में उस टाइम पे ब्रिटिश का रूल था तो ब्रिटिश वाले लेकर गए होंगे तो वहाँ पे वो लोग खेती वोती करने के लिए ले गए होंगे तो वहाँ पे वो लोग बस गए बाद में तो उनको इंडियन फीजी कहा जाता है सो अभी जो इलेक्शन होगा हम उन्होंने देखा कि इलेक्शन फ्री ऑफ फेयर होना चाहिए ये डेमोक्रेसी का एक फीचर है बट वहाँ पर जो सभी के जो वोट हैं उनका वैल्यू सेम होना चाहिए और सबको वोटिंग का राइट right होना चाहिए सो इन डेमोक्रेसी एवरी एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड इट्स वैल्यू मस्ट बी इक्वल फोर्थ फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी इज डैट रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट सो रूल ऑफ लॉ अभी इसमें जो कहानी है वो जिम्बाम्बे की है जिम्बाबे एक कंट्री जो अफ्रीका की है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक जो कंट्री है उसका नाम जिम्बाबे है और वो कंट्री 1980 में इंडिपेंडेंस उसको मिलता है जो पार्टी ने उसको इंडिपेंडेंस दिलाया उसका नाम था जानू जानू जो पार्टी थी उसने इंडिपेंडेंस दिलाया अभी उसका जो लीडर था उस पार्टी का वो था रॉबर्ट मुगाबे तो वहाँ पे रॉबर्ट मुगाबे इंडिपेंडेंस के बाद इंडिपेंडेंस के बाद वो वहाँ का प्रेसिडेंट बन जाता है अब प्रेजिडेंट बनने के बाद क्या करता है वो उसने बहुत सारे अनफेयर मेथड यूज किए कि हमेशा वो पावर में रहे उसने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया कि सारी पावर उसके अंडर आ जाए प्रेसिडेंट को बहुत सारा एकदम पावरफुल कर दिया पूरे मीडिया को कंट्रोल करेंगे पूरा जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं सब को कंट्रोल कर सकती है मीडिया सबको कंट्रोल प्रेसिडेंट कर सकता है तो उसने अपने आप को बहुत पावरफुल बना दिया जो लोगों के अधिकार थे जो लोगों के राइट्स थे उनको छीन लिया गया कोई स्ट्राइक नहीं कर सकता कोई गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बोल नहीं सकता जो बोलेगा उसको बंद कर दिया जाएगा जेलों में तो ऐसे ऐसे उसने चेंजेस ला दिए कॉन्स्टिट्यूशन में तो इससे जो फीचर्स निकलता है वो है कि जो भी गवर्नमेंट फॉर्म होगी वहाँ पर वो ये नहीं कि कैसे भी काम करेगी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस के अंडर ही काम करेगी डेट अ डेमोक्रेटिक रूल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट एंड द सिटीजन्स राइट सो जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इलेक्ट होगी उसको कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट के अंदर रह के ही सारे काम करने होंगे और सिटीजन्स के राइट right को प्रोटेक्ट करना चाहिए सो so, This is how we have learned about the four features of democracy. That what are the four features? So, if we talk about the definition of democracy, a form of government in which rulers are elected by people, and what are the four features of democracy? That all the laws should be made by the people who are leaders who are elected by the people the election should be free and fair there should be a choice and opportunity available to everyone that uh, everyone have the right to vote then democratic government which has been elected it cannot function arbitrarily it cannot function without any limit there are limit constitutional limit with In which it had to act. So these are the four features of democracy. अभी हम लोग यहाँ की बात करें यहाँ पे जो picture दिया गया है इस picture यह कहाँ का picture है इस ये आप लोग search कर सकते हैं इसके बारे में जानने के लिए तो ये एक्चुअल में चाइना में 1989 में 1989 में एक रिवॉल्ट हुआ था डेमोक्रेसी लाने के लिए उसको बोलते थे टीएनआ मैन स्क्वायर रिवॉल्ट तो आप लोग सर्च कर सकते हैं टी एन स्क्वायर नाइनटीन एटी नाइन चाइना वहाँ पे वहाँ का ये पिक्चर है एक्चुअल में सो यू कैन चेक डैट चाइना का आई होप आप लोग इसको चेक करिए बहुत अच्छा रहेगा सो so चाइना में जैसे आपको पता होगा कि चाइना में जो भी गूगल फेसबुक और ये सब चीज़ें वहाँ पे नहीं चलती हैं वहाँ की गवर्नमेंट ने सबको ब्लॉक कर दिया गया है वहाँ के जो गवर्नमेंट है उनका खुद का ये सब देसी वर्जन है उनका उन्होंने अपने कंट्री में सब कुछ बनाया हुआ है सो और वहाँ पे बहुत सारे लोगों की जो लोग हैं उनकी हमेशा सर्विलेंस पे रखा जाता है लोगों को कि कोई भी कुछ इधर उधर करेगा तो उसको पकड़ लिया जाएगा सो नेक्स्ट टॉपिक इज वाई डेमोक्रेसी क्यों डेमोक्रेसी क्या डेमोक्रेसी ही सब कुछ है क्या किसी कंट्री में डेमोक्रेसी आ गई मतलब वहाँ पे कोई अब प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली है इंडिया में तो बहुत सालों से डेमोक्रेसी है सत्तर सालों से तो भी आज हमारे यहाँ प्रॉब्लम है ना हमारे यहाँ भी पॉवर्टी है हमारे यहाँ भी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम चल रही है सो हमारे यहाँ भी अभी तक कंट्री डेवलप नहीं हुई है तो ऐसा नहीं कि डेमोक्रेसी सबका सोल्यूशन है हाँ तो भी ऐसे बोल सकते हैं कि हाँ डेमोक्रेसी के आने से लोगों के हाथों में कुछ पावर मिल जाती हैं जिससे वो अपने आप के लिए फाइट कर सकते हैं जो कि आपको किसी डिक्टेटर डिक्टेटर कंट्री में नहीं मिलेगा जहाँ पे मोनार्की होगी या डिक्टेटरशिप होगा क्योंकि हर एक सिस्टम में कोई भी सिस्टम हो वहाँ पे कुछ ना कुछ खराब होता ही है कुछ ना कुछ कमियां होती हैं और हर इंसान के अंदर कमियां होती हैं हम सब के अंदर हैं तो वैसे ही डेमोक्रेसी के अंदर भी कुछ कमियां हैं वो क्या है डेमोक्रेसी में जो लीडर्स हैं वो कंटिन्यूसली चेंज होते हैं क्योंकि इलेक्शन है वहाँ पे इलेक्शन होता है तो लीडर्स को चेंज होना ही पड़ेगा एक लीडर हमेशा नहीं रह सकता लीडर्स कि तो चेंजिंग इन डेमोक्रेसी अब इससे इनस्टेबिलिटी होती है गवर्नमेंट में कोई भी गवर्नमेंट पाँच साल से ज़्यादा नहीं सोच सकती क्योंकि उसको पाँच साल में इलेक्शन फेस करना है तो जितने भी उसके पॉलिसीज़ बनेंगे वो सिर्फ फाइव इयर्स पे टारगेटेड होंगे कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं होती कि हमें दस सालों में क्या करना है बीस सालों में कंट्री को कहाँ ले जाना है सो दिस इज़ द व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ डेमोक्रेसी वी कैन से वहाँ एक हमेशा पूरा पॉलिटिक्स के लिए फ़ाइट होती रहती है डेमोक्रेसी में सब कुछ पॉलिटिक्स के लिए होता है देन डेमोक्रेसी में जो इलेक् कोई भी डिसीजन है वो डिसीजन बहुत ही लेट होता है बहुत ही स्लो डिसीज़न मेकिंग होती है डेमोक्रेसी में देन लीडर्स को पता नहीं होता है कि लोगों के बेस्ट इंटरेस्ट में क्या है और वो लोग इसके लिए लोगों के इंटरेस्ट में जो कोई भी चीज़ का डिसीजन नहीं ले पाते हैं और तो ये हैं डेमोक्रेसी में एक तो करप्शन भी बहुत होता है क्योंकि उनको पाँच साल मिला है अब पाँच साल में क्या करना है और पाँच साल के बाद उनको इलेक्शन फेस करना है तो ये सब चीज़ें हैं जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हैं बट जैसे मैंने बताया कि हर चीज़ में कोई भी चीज़ है उसके पॉजिटिव निगेटिव दोनों चीज़ें होती हैं डेमोक्रेसी के भी ये निगेटिव पॉइंट्स हैं बट इसके भी बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं अभी हम लोगों ने डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में पॉइंट्स देखे थे नाउ वी गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी क्यों अच्छी है सो so, इसको एक स्टोरी के जरिए समझते हैं 1958 और 1961 में फीमाइन आता है जो कि चाइना और इंडिया में दोनों जगह ऐसी कंडीशंस थी इंडिया में भी हम हमको पता है कि नाइनटीन सिक्सटी अराउंड फीमाइन था फिमाइन का मतलब होता है कि भूखमरी इंडिया और चाइना दोनों जगह आती है उस टाइम पे भी इंडिया कोई डेवलप नहीं था और चाइना भी कोई डेवलप नहीं था तो दोनों जगह फेमाइन आती है बट चाइना में उस फेमाइन की वजह से मिलियंस ऑफ पीपल डाइट बट इंडिया में कंडीशन उतनी वर्स नहीं होती है वर्स्ट नहीं होती है और बहुत सारे लोग नहीं मरते हैं क्यों ऐसा क्यों हुआ क्योंकि जो चाइना था चाइना में जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी वो थी ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट थी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी तो उसको नहीं लोगों को क्या परेशानी हो रही थी उसको ध्यान नहीं देती थी क्योंकि उसको इलेक्ट नहीं होना है वहाँ पे कोई उसको फाइट करने के लिए उसको कोई कंपटीशन नहीं है कम्युनिस्ट पार्टी का कि हाँ कोई और है तो उसको अच्छे से काम करना है वहाँ पे उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता मीडिया भी उसको क्वेश्चन नहीं कर सकती तो इसलिए वो जो गवर्नमेंट है वो अपना आराम से काम कर रही थी जो भी उसको करना था लोग मर रहे हैं उससे कुछ नहीं लेना देना बट इंडिया में क्या था कि डेमोक्रेसी थी तो जो भी गवर्नमेंट है उसको चिंता रहती है कि लोगों को सुविधाएं दी जाएं थोड़ी क्योंकि अगर लोग नाराज़ हो गए तो नेक्स्ट टाइम इलेक्शन में हम हार जाएंगे तो इसलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती हैं वो अकाउंटेबल होती हैं लोगों के लिए कि वो लोगों के ज़रूरतों का ध्यान रखती हैं लोगों के प्रति उनका थोड़ा सा ध्यान जाता है कि हाँ लोगों को क्या चाहिए सो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती हैं अकाउंटेबल होती हैं दे आर बेटर देन द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट और द वी कैन से डिक्टेटरशिप सेकेंड इज़ दैट डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है वहाँ भले डिसीजन स्लो होता है बट डिस्कशन होता है कि जो अगर वहाँ पे अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं तो हर जगह सब कुछ आराम से डिस्कशन के और एक अच्छा डिसीजन लिया जाता है स्लो डिस डिसीजन लिया जाता है बट अच्छा डिसीजन लिया जाता है तो डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग कि सब लोगों के जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं उसको ध्यान में रख के कोई लॉ या रूल बनाया जाता है डेमोक्रेसी में जो कि ऑटोक्रेटिक कंट्री में नहीं हो सकता डेमोक्रेसी में जो भी लोगों के कॉन्फ्लिक्ट उसको पूरा डील करने का एक मेथड होता है वहाँ पे जैसे कि इंडिया में वी आर अ कंट्री जहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी है अलग हर जगह पे अलग रिलीजन के लोग हैं अलग लैंग्वेज के लोग हैं तो भी लोग साथ में रह रहे हैं क्योंकि डेमोक्रेसी में कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं है सब लोग साथ में मिलकर रहेंगे बट अगर ऑटोकेट्रिक कंट्री है जैसे कि अभी हम लोग ने बात करें श्रीलंका श्रीलंका में वहाँ पे स्टोरी क्या है कि जब वहाँ उसको इंडिपेंडेंस मिलता है तो वहाँ पे सिन्हाला कम्युनिटी जो श्रीलंका की कम्युनिटी थी और तमिल्स थे तो तमिल्स ने बोला कि हम लोग ज़्यादा पावरफुल हैं हम हम लोग मेजोरिटी में हैं तो वहाँ की जो लैंग्वेज होगी मेजोरिटी की लैंग्वेज होगी नेशनल लैंग्वेज वो सिन्हाला होगी और तमिल्स को कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया इसके लिए वहाँ पर बहुत सालों तक सिविल वॉर हुआ उस कंट्री में तो बट इंडिया में अलग अलग टाइप के लोग हैं अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं लेकिन कुछ ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या है कि हर चीज़ को डील करने का एक मेथड है सो डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस कि सब कुछ सभी की बातें सुन के और सबको इक्वल इम्पोर्टेंस दिया जाता है डेमोक्रेसी में और सबका पीसफुल सोल्यूशन निकल सकता है डेमोक्रेसी इन्हेंसेज द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन सो डेमोक्रेसी में एक चीज़ और है कि जो लोग हैं उनको कुछ अधिकार दिए जाते हैं जैसे कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो सभी को कुछ ना कुछ राइट्स हैं राइट टू इक्वालिटी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सब लोग किसी को कुछ गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलना है या गवर्नमेंट को बोलना है तो बोल सकते हैं सबको इक्वल सभी लोग इक्वल हैं ऐसा नहीं कि जिसके पास बहुत पैसा है जो बहुत अमीर है वही उसी के पास बहुत सारे राइट्स होंगे सभी के पास इक्वल राइट्स हैं जो गरीब है उसके पास भी उतने ही राइट हैं सो ये एक डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फीचर है ये भी कि जो सिटीजन हैं उनकी डिग्निटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज टू करेक्ट और ओन मिस्टेक क्यों देखिए डेमोक्रेसी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होगी वहाँ पे जो भी डिसीजन रहेगा जैसे कि आपने आज एक गवर्नमेंट को चूज कर लिया अब वो गवर्नमेंट आपको बाद में पता चलती है कि नहीं है तो आपके पास एक टाइम मिलता है पाँच साल के बाद आप उसको चेंज कर सकते हो अगर गवर्नमेंट ने अच्छा काम नहीं किया तो आप उसको चेंज कर सकते हो बट ऑटोक्रेटिक में ऐसा नहीं हो सकता कि आप उस, उसको चेंज कर सकते हो बिकॉज वो तो डिक्टेटर है वो जो चाहेगा वही होने वाला है तो वहाँ पे आप तो कुछ कह ही नहीं सकते जैसे कि चाइना में कोई चाहे कि कोई कॉमन मैन जिसको चाहे कि प्रेजिडेंट बनना है तो बन सकता है क्या नहीं बन सकता कोई भी फाइट नहीं कर सकता इलेक्शन बट इंडिया में कोई भी इलेक्शन फाइट कर सकता है सो दिस इज एग्जाम्पल वे सो डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कमिंग टू वर्स द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी सो डेमोक्रेसी से ये तो हम लोगों ने देखा कि डेमोक्रेसी कैसे गवर्नमेंट के लिए यूज की जाती है बट हम लोग बात करते हैं ना घरों में भी कि हम लोग बहुत डेमोक्रेटिक फैमिली है या ये लोग कैसे डेमोक्रेसी की बात कर सकते हैं या पार्टी डेमोक्रेसी कैसे बात कर सकते जहाँ पे कुछ ही लोग बस पूरा डिसीजन लेते हैं सो so, डेमोक्रेसी हर जगह अप्लाई हो सकती है जैसे घरों में भी जब कोई डिसीजन होता है तो वहाँ पे बड़ा हो छोटा हो सबके पॉइंट ऑफ व्यू को देखा जाता है तो ये एक डेमोक्रेसी हुआ ना डेमोक्रेसी का मतलब नॉर्मल मतलब है कि डिसीजन मेकिंग में सबका कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और उसको रेस्पेक्ट किया जाना चाहिए बट मॉडर्न देखिए आज के डेट में जो हम लोग डेमोक्रेसी जिस टाइप का प्रैक्टिस करते हैं उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वाई दिस इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बिकॉज यहाँ पे हर आदमी वो खुद नहीं जा रहा है गवर्नमेंट में कोई भी फंक्शन में बस हम लोग अपने लीडर्स को जिनको हम लोग इलेक्ट करना चाहते हैं इलेक्ट कर देते हैं वो लोग जाके सब कुछ देखते हैं अब यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्यों नहीं हो सकती क्यों हम लोग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि इतने सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा करना एक बड़ी प्रॉब्लम होगी बहुत सारे लोग को इंटरेस्ट नहीं होगा सेकेंड बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है थर्ड है कि बहुत सारे लोग को इंटरेस्ट होगा तो उनको पता नहीं होगा और कुछ लोगों को ये जो प्रोसेस है वही नहीं अच्छा लगता होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं तो टू डेमोक्रेसी आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कभी कभी हम बात करते हैं कि डेमोक्रेसी ट्रू डेमोक्रेसी तभी आए कि कंट्री में जबकि कोई भी भूखा नहीं रहेगा नो विल को हंग्री टू बेट और जब सभी लोग के पास घर होगा सभी लोग को डेली खाना मिलेगा ये सब बातें होती रहती हैं कि डेमोक्रेसी तभी आएगी लेकिन ये एक हम लोग आइडियल कंडीशन की बात कर रहे हैं जो कि प्रैक्टिकल और आइडियल दोनों अलग अलग हैं आइडियल मतलब कि एक हाँ परफेक्ट सिचुएशन की बात की जा रही है जो कि पॉसिबल नहीं है इट्स इम्पॉसिबल डेट अ आइडियल डेमोक्रेसी विल एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड सो कुछ भी आइडियल नहीं होता प्रैक्टिकली एवरी थिंग इज डिफरेंट फ्राम द आइडियल हम लोग बात करते हैं कि हमें ये मिल जाए या ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा बट वो आइडियल कंडीशन की आप ड्रीम uh, कर रहे हो कि आइडियल ऐसा हो सकता है परफेक्ट कंडीशन बट रियलिटी वैसी नहीं होती है और ऐसे बात करेंगे तो कोई भी कंट्री दुनिया में डेमोक्रेटिक नहीं है इवन द अमेरिका द मोस्ट डेवलप कंट्री इन द वर्ल्ड वहाँ पर भी अनएम्प्लॉयमेंट है वहाँ पर भी हम हंगर है वहाँ पर भी लोगों के पास ऐसे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है जिनके पास जॉब नहीं है जिनके पास जो लोग वहाँ पर भी अनाथ बच्चे होते हैं वहाँ पर भी लोग माँ बाप को सड़कों पर छोड़ देते हैं तो हर जगह प्रॉब्लम्स हैं ऐसा नहीं कि डेमोक्रेसी सबका सोल्यूशन हो सकता है बस यस डेमोक्रेसी टू एक्सटेंट इन प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा कम कर देता है और कुछ नहीं सो so, अगर डेमोक्रेसी को हमें बचाना है तो सबको कॉन्स्टेंटली एफर्ट करना होगा क्योंकि जो डेमोक्रेसी आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ये नहीं कि वो भी एक बेस्ट फॉर्म है हमको बेस्ट फॉर्म के लिए और इस्ट... अपने आप अपने आप पे मेहनत करनी पड़ेगी हमको हार्ड वर्क करना पड़ेगा जिससे हम लोग बेस्ट दे सकें और यहाँ पे सिर्फ ये नहीं कि कंट्री की गवर्नमेंट कैसी है डेमोक्रेटिक है तभी कंट्री आगे जाएगी डेवलप होगी इवन द पीपल लोग कैसे हैं वो भी इम्पॉर्टेंट होता है तो सिटीजन्स भी मैटर करते हैं बट वही सिटीजन्स ऑटोक्रेटिक कंट्री में मैटर नहीं करते जैसे मोनाटके और डिक्टेटरशिप हो गया ऑटोक्रेटिक मतलब कि जो कोई एक पर्सन होगा जो रूल करता है वहाँ पर ये लोग मैटर नहीं करते क्योंकि सब कुछ वही है जो चाहेगा वही होता है सो दिस इज हाउ वी है लर्न अबाउट डेमोक्रेसी फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फीचर्स क्या होते हैं एंड डेमोक्रेसी क्यों एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है थैंक यू इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स